अगर आपको कोई ऐसा कदम उठाना है जो रिफॉर्म लेकर आ सकता है यही समय है जैसे पीएम कहते हैं सही समय इस समय पे करो सो so, ये जब रेड अलर्ट होता है कि कोई आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको लगता है प्रॉब्लम होता है तो कैसे आप एक्ट करती हैं फिर हमारे पूरे इस कार्यकाल में एक चीज जो मेरा सौभाग्य रहा हमने किया नॉर्मली सरकारें क्या करती थी फाइनेंशियल ईयर के अंत में प्रदेश की सरकारों के साथ बैठ के चर्चा करती थी कि क्या हुआ कैसे हुआ कितना काम हुआ और ये कागज़ के ऊपर महज होता था अब सैटेलाइट इमेजिंग के ज़माने में हम बता सकते हैं कि आ, कितना काम हुआ कितना रह गया है क्यों रह गया है आ, ये मीटिंग्स मैं स्वयं और मेरे अधिकारी तो हर महीने करते हैं प्रदेश सरकारों के साथ मैं हर क्वार्टर में करती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि साल के अंत में कहें अरे बाप रे इतना सारा काम नहीं हो पाया प्रधानमंत्री जी ने बजट को एडवांस क्यों किया उनकी इच्छा थी कि अप्रैल के महीने से यू हिट द ग्राउंड रनिंग तो वी बिन रनिंग एवरजेंसी इज बिकम प्रधान सेवक ट्रेनिंग ट्रैकिंग डिलीवरी जी एक प्रोसेस है नमस्कार आप सभी जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे ये वीडियो आप सभी के स्थायीकरण या फिर मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी वीडियो को पूरा देखें चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें अब चलते हैं अपडेट पर आपने सब महिलाओं को आंगनवाड़ी महिलाओं को एक स्मार्टफोन दिया हम लेकिन सिर्फ उस तक कैसे तक नहीं रहते हर साल 300 करोड़ का बजट है उसको स्पेंड हम लोग करते हैं ट्रेनिंग के लिए सोशल जस्टिस के साथ हमने कोलैबोरेशन करने का प्रयास किया है ताकि दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में आंगनबाड़ी दीदियों को स्पेशल अगर ट्रेनिंग चाहिए तो उसको हम कैसे कर पाए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप कहते हैं कि ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिट्स टू बेनिफिशरी तो हम सिर्फ पोषण ट्रैकर पर निर्भर नहीं करते आंगनवाड़ी दीदी ने मान लीजिए आपने दस बेनिफिशरीज का नाम भरा उसमें से हम कभी भी किसी भी बेनिफिशरी को हमारी जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन है उससे फ़ोन करते हैं कि वाकई में आपको ये सेवा मिली या नहीं मिली सो देयर इज नॉट ओनली वन ट्रैकिंग इंटरफेस डिजिटली देर इज़ नॉट ओनली वन रिपोर्टिंग डिजिटल इंटरफेस वी ऑल्सो हैव अ कॉल अ हेल्पलाइन where we randomly call and check. So there is also this effort to ensure that there is corroborative evidence about genuinely what is coming up on the tracker. Ma'am, as someone who has tracked your politics a... <laughs> and your governance model for so many years, yes. I can fairly say you would have also made some calls. Is it fair to say that? <laughs> I will not make any such admissions when the <laughs> parliament is in session. <laughs> but I think that uh, what is helpful is a holistic approach. Uh, we do not doubt uh, the legitimacy of data, but we do not doubt uh, the legitimacy of the data that comes through. On the tracker, it's because we have taken additional efforts to ensure that we corroborate everything that happens uh, on the digital platform. We do not depend only on feedbacks given from one engagement, we ensure that we engage with the beneficiary directly. For instance, uh, while the portion uh, interface has ten crore beneficiaries. The Matravandana Yojana of the Prime Minister, which is another flagship scheme, has three and a half crore women who have benefited and received fourteen thousand crore rupees now we also corroborate uh, digital evidence or other evidences which are based on the health analysis of such uh, female beneficiaries from both uh, our flagship schemes so it's not as though our schemes work in silos at the end uh, where i sit or where the secretary ministry of women and child development sits or the joint secretary or the additional secretary Across all those divisions, we ensure that there is a holistic view and we know exactly where.